मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नवचेतना सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो पिछली वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हुई, अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो शुरुआत करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से। तो सबसे पहले पहचान, पहचान हिंदी वाक्यों में समय की अवधि के साथ से रहा था, से रहे थे, से रही थी आदि शब्द आते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है वो हिंदी वाक्य के अंत में समय की अवधि के साथ है। से रहा था, से रही थी, से रहे थे आदि शब्द आते हैं। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ होता है? समय जुड़ा होता है, प्लस से टाइम ऑफ है इन द टेंस, यानी इस टेंस में क्या जुड़ा होता है? समय जुड़ा होता है। तो बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य का रूल है, साधारण वाक्य में क्या होता है देखना, साधारण वाक्यों में, यहां पर आपको क्या है, एकवचन और बहुवचन है नहीं देखना है। तो साधारण वाक्यों में यानी सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, बस इतना ही देखना है। साधारण वाक्य में क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में साधारण वाक्य में क्या होगा, हैड बीन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब निगेटिव को देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो नकारात्मक वाक्यों में बीन से पहले नोट का प्रयोग होगा। बस इसमें इतना ही सीखना है कि निगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, बीन से पहले नोट का प्रयोग। अब सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्यों में हेड सबसे पहले व अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। यह क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य में हेड सबसे पहले और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो ये तीनों सेंटेंस हो गए। अब बात करते हैं समय के बारे में। तो समय के लिए हमें क्या करना होगा ये हमें देखना है। तो आप इसे नोट में लिख लें, तो इसमें लिखना है समय के लिए। तो निश्चित समय के लिए सिंस व एनिसिस समय के लिए
फोर का प्रयोग होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फोर। अब आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि निश्चित समय कौन सा होता है, अनिश्चित समय कौन सा होता है। तो निश्चित समय द टाइम ऑफ पीरियड, पीरियड में जो बंधा होता है, जैसे 4 बजे से लेके 5 बजे तक मैंने ये काम किया और 4 दिनों से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यह 4 दिनों से काम कर रहा हूँ तो ये तो गया अनिश्चित समय। और 4 बजे सुबह में 4 बजे से पढ़ाई कर रहा था, तो इसलिए सुबह 4 बजे से, तो इसके लिए आप क्या आएंगे सिंस लिखेंगे, और 4 दिनों से मैं काम कर रहा था तो उसके लिए आप फोर लिखेंगे। तो देखते हैं एग्जांपल, एग्जांपल में आप अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। जैसे वे 5 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, पहचान देखनी है सेंटेंस की, क्या देखनी है पहचान देखनी है हिंदी वाक्यों के, तुम्हें समय की अवधि के साथ, इसमें क्या होगा समय होगा, समय की अवधि के साथ से रहा था, से रही थी, से रहे थे, हो गई बात। अब आपको देखना है सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका एक स्ट्रक्चर लिखेंगे। पहले स्ट्रक्चर यानी बनावट, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बनावट में, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, अदर में इसमें आ जाएगा समय, सिंस है एंड से इसके बारे में आएंगी बात। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसमें देखेंगे कर्ता, तो इसमें कर्ता क्या है वे, तो इसके लिए लिखेंगे दे के साथ हैड बीन, यानी इसमें एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, क्या आएगा दे हैड बीन। अब वर्ब कौन सी है इसमें, पढ़ रहे हैं, तो दे हैड बीन पढ़ना रीड, तो ये हो गया रीड प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हो गया रीडिंग, दे हैड बीन रीडिंग। अब अपनी पुस्तक, तो दे के लिए अपना होगा देयर, तो देयर बुक, दे हैड बीन रीडिंग देयर बुक। अब बात रही समय की, तो इसमें देखना है आपको 5 बजे से, 5 बजे से निश्चित समय, निश्चित समय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सिंस लगाना होगा, सिंस 5 o'clock, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का साधारण वाक्य। और साथ साधारण वाक्य के साथ साथ हम नेगेटिव की बात करेंगे। देखिए जैसे इसी का बना देंगे, तो इसमें रूल है बीन से पहले नोट का प्रयोग, ये बीन है ना, नेगेटिव सेंटेंस में आपको पहले मैंने बताया था कि बीन से पहले क्या करेंगे नोट का प्रयोग करेंगे। तो देख लीजिए इसी वाक्य को, दे हैड, यहां पर नोट का प्रयोग हो जाएगा, दे हैड नोट बीन, यहां पर क्या आ जाएगा सेम वाक्य वाक्य वो चलेगा, देयर बुक सिंस 5 o'clock, ये क्या हो गया, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी को हम इंटरोगेटिव बदलेंगे, तो बस छोटा सा नियम है, हेड सबसे पहले लिख देंगे और कुछ नहीं है, तो लिख देंगे हेड, ये कैप्टन लिखेंगे क्योंकि वाक्य क्या आरंभ से हो रहा है, हेड दे बीन रीडिंग देयर बुक सिंस 5 o'clock, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से क्या हो गए, ये तीनों वाक्य पूर्ण हो गए। तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग हो गया, अब देखेंगे अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग किस तरह से होता है। देखिए जैसे जैसे वह एक महीने से अपनी कहानी लिख रहा था, यह क्या हो गया, वह
एक महीने से अपनी कहानी लिख रहा था। समय की अवधि के साथ क्या है, से रहा था, से रही थी। अब देखिए उस स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे जो पहले आपको मैंने बताया था। देखिए कर्ता आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो ही, इसके बाद में हैड बीन, अब अपनी कहानी लिख रहा था तो राइट प्लस आई एन जी, राइटिंग, ही हैड बीन राइटिंग। यहां पर क्या होगा, देखिए ही का अपना करेंगे तो ही हिज, ही हिज स्टोरी। एनसी समय क्यों, वह एक महीने से अपनी कहानी लिख रहा था, तो एनसी समय के लिए क्या आएगा, आपको पूर्व में ज्ञान है, क्या आएगा फोर, ए मंथ, क्योंकि एक महीने से लिख रहा था, पता नहीं है कि एक महीने से कब से लिख रहा है, तो ये हो गया एनसी समय। अभी इसका निगेटिव बनाएंगे तो वही बात है पहले वाली, ही हैड नोट बीन राइटिंग हिज स्टोरी फॉर ए मंथ। इसी काम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, तो हैड ही, हैड ही बीन राइटिंग हिज स्टोरी फॉर ए मंथ, और अंत में प्रश्नवाचक है चिन्ह। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि निश्चित समय के लिए चिन्ह होगा और अनिश्चित समय के लिए फोर होगा, और जो स्ट्रक्चर है और पहचान है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत है धन्यवाद।